चुनाव के परिणामों की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया। स्थिति यह है कि जान बचाने के लिए भाजपा के अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में शरण लेनी पड़ रही है। तो सोचिए इस समय उन मतदाताओं का क्या हाल होगा जिन्होंने पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। पश्चिम बंगाल की ग्राउंड की स्थिति क्या है ये जानने के लिए बात करते हैं भाजपा कार्यकर्ता देवदत्त मांझी से। सबसे पहले तो देवदत्त जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल में, क्या चल रहा है? आप सुरक्षित हैं, आपके कार्यकर्ता सुरक्षित हैं? आपको धन्यवाद मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरे ओर से नमस्कार और जय श्री राम। जी, पश्चिम बंगाल में अभी पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है। हाँ, 2021 में जितना हुआ था उतना ओपन नहीं हो रहा है, पर फिर भी सिलेक्टेड लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है और कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ से कार्यकर्ता लोग, और केवल कार्यकर्ता नहीं, जो समर्थक है, जहाँ पर समझ में आया है कि उनके ऊपर वो लोग बीजेपी को वोट किया है, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है और ये लोग अपने घर अपने गांव छोड़ के भाग भी रहे हैं। काफी लोग भाग चुके हैं। देवदत्त जी, काउंटिंग के जस्ट अगले दिन ही आपने एक वीडियो डाला था जहां पे 24 परगना में जो थी वो आतंकी हिंसा की घटनाओं के बारे में आपने बताया था, और कल सुवेंदु अधिकारी जी का भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि करीब 4000 कार्यकर्ता जो है आपके, उन्होंने डायमंड हार्बर के कार्यालय में शरण ली हुई है। तो ये वीडियो डालने के बाद में कहीं सेंटर से कुछ सपोर्ट, कोई सपोर्ट कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से कोई सपोर्ट आप लोगों तक पहुंचा? देखिए, मैं बार बार यही बोलता आया हूं, मैं 2021 में भी बोला था, और उस समय मैं पॉलिटिक्स में एकदम ही नया था, क्योंकि 2020 में ही मैं फर्स्ट टाइम कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी में मैं एंट्री किया था भाजपा में जी। और मैं तभी मैंने बताया था, और मैंने उस समय खाली वही डायमंड हार्बर जहाँ पर शुभेंदु जी ने अभी बताया है, उस समय डायमंड हार्बर के लगभग 800 लोगों को मैंने शेल्टर दिया था, 800 कार्यकर्ता और सपोर्टर्स को। ऐसे बहुत सारे मंडल प्रेसिडेंट है वो डायमंड हार्बर लोकसभा के अंदर, जिनको फॉल्स केस में पुलिस अंदर डाल दिया था, उनको पीट रहा था, उनके लिए मैं लीगल बैटल लड़ा, उनको जेल से भी निकाला। जब वो जेल में थे, उन ऐसे भी मंडल प्रेसिडेंट थे जिनके पिताजी डायलिसिस में चल रहे थे, मैं अपने खर्चे से उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, उनका दुकान लूट लिया गया था, आग लगा दिया गया था, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था उसमें भी हमने सपोर्ट किया, काफी हमने वहां पर लोगों को मदद किया था। केवल डायमंड हार्बर में 800 लोगों को मैंने सपोर्ट किया, तो उसके अलावा बाकी जिला भी था, पर उस समय भी मैंने, उसके बाद भी मैंने सेंट्रल लीडरशिप से ये कहा था कि यहाँ पर जो लोग आई टू आई कॉन्टेक्ट रख के जो इन हिंसकों से, जो ऐसे आतंक जो लोग फैला रहे हैं, उनसे जो लोग लोहा ले सके, उनसे जो लड़ाई कर पाए, ऐसे लोगों को आपको नर्चर करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल पहले से ही पॉलिटिकल वायलेंस फेस करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, नया है। जो लोग आजकल टीएमसी के भी बहुत सपोर्टर और कार्यकर्ता भाजपा में आ रहे हैं, ये बात भी सही है, पर हमको जब पता है कि हमारे ऊपर हिंसा होने वाला है और हम उसके लिए कोई तरह का प्रिपरेशन ना रखे, अगर साइक्लोन आता है गवर्नमेंट से होशियारी दिया जाता है तो लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो पोलिंग हो गया, पोस्ट पोल वायलेंस भी होगा, तो यहाँ के लोगों को भी तो तैयार करने का जिम्मेदारी जो है टॉप लीडरशिप का है। जी जी बिल्कुल, जैसे आप इलेक्शन में प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, उसके साथ साथ अपने लोगों को भी मेंटली और बाकी तरीके से ग्रूम होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का मदद तो मिलेगा नहीं। पुलिस यहाँ पर बिल्कुल ममता बनर्जी के पक्ष में है, जिहादी और गुंडों के पक्ष में है, पुलिस कुछ करेगा? जब हमको पता ही है पुलिस कुछ करेगा नहीं, मेरा मदद के लिए कोई आएगा नहीं, भगवान तो आ नहीं जाएगा ऊपर से, तो हम अगर अपने शास्त्र को धर्म को भी मान के चलने वालों में से है, तो हमको अपने समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा
और उससे भी ज्यादा अपने सम्मान की रक्षा के हेतु हमको वो व्यवस्था लेके रखना चाहिए। और जो लोग, विशेषकर जो लोग कैंडिडेट्स हुए हैं, जो लोग जिला के नेतृत्व में हैं, वो लोग को भी तो ये तो शॉर्ट कमिंग है, ऐसा होने वाला है, इसको इसके काउंटर पैरेलल सोच विचार और उसके मुताबिक स्टेप भी लेके रखना चाहिए ना, या अभी उन लोग को फील्ड में उतरना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं थोड़ी बुरी लगेगी बात, लेकिन जैसे मैं आपका भी प्रोफाइल देख रही थी, आपके नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा हुआ है, तो एक वेस्ट बंगाल का परिवार इस वक्त ये सपोर्ट तो मांगता है कि प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए, कोई सपोर्ट सिस्टम ग्राउंड पे होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतने आस्था विश्वास के साथ ना केवल प्रचार के लिए काम किया, वोट भी दिया, और 2021 पिछले चुनाव में देखा भी था कि इलेक्शन के बाद में किस प्रकार की हिंसा होती है, उस हिंसा के विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है ग्राउंड पे उनके लिए। एक चीज और देवदत्त जी, कहीं कई सारी खबरों में, कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा जा रहा है कि ये जो हिंसा फैलाने वाले या अत्याचार करने वाले केवल टीएमसी के गुंडे नहीं है, इनफैक्ट पुलिस भी, बंगाल पुलिस भी आके लोगों के घरों के बाहर ताले लगा दे रही है, ऐसा भी कुछ हो रहा है? एकदम ऐसा हो रहा है, ये एकदम सही खबर है आपके पास। केवल टीएमसी वाले नहीं, पुलिस भी टीएमसी के चमचे और गुंडे बन के यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे घटना हो रहे हैं जिसका, जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं उसको सोशल मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ, पर मेरे पास वो सब है। पुलिस तो ये कर रहा है, और पुलिस को ये हौसला मिल कैसे रहा है? 2021 के बाद अगर 10-20 पुलिस ऑफिसरों को सजा मिल चुका होता, वो लोग सस्पेंड हो चुका होता, तो आज पुलिस वाले जो है उनको ये साहस नहीं मिलता। जी तो मेरा ग्रीवांस ये है कि जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, वो सौ मोटो बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं जी, इस विषय पर। अगर आम जनता के, आम नागरिक के रक्षा हेतु अगर पुलिस के ऊपर, जो पुलिस टेंटेड ऑफिसर है, जो लोग इस तरह का नग्न तोषण और तुष्टिकरण में कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऑफिसर को अगर कोर्ट सजा दे दिया होता, तो आज इतने घर बर्बाद नहीं होता, इनके इतने परिवार बर्बाद नहीं होता। जी जी तो इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि कौन आपकी हेल्प कर पाएगा और कैसे चीजें सुधरेंगी, क्योंकि ये तो हर चुनाव के बाद में होने वाली स्थिति हो गई है? फिर देखिए, ये इस प्रश्न का जवाब तो मैं बहुत ही इस विषय में नवीन हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत वरिष्ठ लोग हैं, राज्य में भी है, सेंट्रल में भी है, उनको ये कॉल लेना है। मैं तो केवल एक सेवक हूँ, और मैं जितना हो सके, आपको पता है, आपके रिपोर्टर्स भी मिले थे हमको, हम ग्राउंड में जाकर, विलेज, एकदम इंटीरियर गांव में जाके लोगों का मदद करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जितना क्षमता भगवान ने हमको दिया है, पार्टी ने हमको दिया है, सेंट्रल लीडरशिप ने हमको दिया है, उसको मैं पूरा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैं गांव-गांव जाके लोगों का मदद कर रहा हूँ। ये उदय नारायणपुर बोल के एक विधानसभा है, वहां पर 20 तारीख को, हावड़ा में 20 तारीख को इलेक्शन हुआ, 20 मई को, और 20 मई को वहां पर पोलिंग बूथ में, ऐसे बहुत जगह में हमारा संगठन, जो मेरा संगठन है सिंह वाहिनी, हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे जगह पर बूथ में बैठे भाजपा के लिए, तो वहां पर भी हमारे जो लोग थे वो लोग बूथ में बैठे थे। तो वहां का जो एक बाहुबली है, जो वहां के पास वाला विधानसभा के जो एमएलए है, गुलशन मल्लिक, वो बहुत खूंखार है, वो एकदम टेररिस्ट जैसा है। तो नूपुर जी का समय में जो नेशनल हाईवे में 11 घंटा का जो ब्लॉक किया हुआ था, जी जी, जो नेशनल मीडिया में चला, वो ब्लॉकेज में, वो 11 घंटा नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने वाले में मेन कारीगर वही गुलशन मल्लिक थे, जो टीएमसी के विधायक, उन्हीं का एक बाहुबली है, आप चमचा बोलिए जो बोलिए, वो बूथ के अंदर आके, जो कि हमारा कार्यकर्ता रिगिंग और प्रॉक्सी होने नहीं दे रहे थे, तो उसको आके उसने एक झापड़ मार दिया। उसका नाम शेख शबीर अली है, शेख शबीर अली हमारा कार्यकर्ता आके झापड़ मारा बूथ के अंदर, मेरा कार्यकर्ता था उठ के खड़ा हुआ, उसको एक मुक्का लगा दिया, तुम हमको मारोगे हम भी तुमको मारेंगे।
सेंट्रल फोर्स आके रोक दिया, ठीक किया। जब मेरा कार्यकर्ता को उन्होंने बोला तुम बाहर निकलो तुमको मार डालेंगे, तो मेरा कार्यकर्ता बाहर निकला, उसको मारने के लिए दौड़ने लगा पीछे, मेरा कार्यकर्ता भी भाग के ऊपर आगे गया। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो शेख शबीर अली का किसी तरह से उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसका माथा भी इंजर्ड हो गया किसी तरह से, हुआ मैं कैसे हुआ मुझे पता नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। और उसमें क्या है, एक अजीब घटना हुआ, हमारे कार्यकर्ता भी चार, उसके बाद चार आठ कार्यकर्ता अरेस्ट हो गए। संतरा जन के नाम में केस है, 75 परिवार वहां से भागे हुए हैं। तो इन सबको सपोर्ट देना हमारा काम है, क्योंकि वो हम ही लोग को देखकर, मोदी जी का काम देखकर भावुक होकर देश के लिए और पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पण करते हैं, तो उनके पास खड़ा होना, मैं तो एक आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई जगह में हो रहा है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई मदद दे या ना दे, माँ को तो अपने बच्चे को खिलाना पड़ेगा, बाप को अपने परिवार को चलाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोग को अपना, हमारा जो कार्यकर्ता है, जो हमारा समर्थक है, उनके पास खड़ा होना, ये मतलब कर्तव्य है और ये कंपल्सरी है, ये करना ही पड़ेगा कोई आए या ना आए। जी जी बिल्कुल देवदत्त जी, वहाँ इतनी विषम परिस्थितियों में आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ और विशेषतया हिंदुओं के साथ आप खड़े हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आपके रहते हुए आपके कार्यकर्ता तो सुरक्षित हैं। बाकी देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा रहते हुए हमारे कार्यकर्ता सुरक्षित है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको मन में उत्साह दे सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो धर्म के महापुरुष जन थे, इनका जीवन में भी काफी संघर्ष आया, ये लोग का लाइफ भी जो है एकदम बहुत आराम का लाइफ नहीं था। स्वयं भगवान रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास में जाना पड़ा, गुरु गोविंद सिंह जी को अपने चार पुत्रों का बलिदान देना पड़ा। अभी 9 तारीख को हमारे पीएम जी ने शपथ लिया, हम सबके लिए खुशी का बात है, परंतु उसी दिन बंदा बहादुर और उनके पुत्र जो केवल 4 साल के थे, अजय सिंह जी, ये दोनों ने भी अपने जीवन का बलिदान हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दिए। तो हमारे कार्यकर्ता को मैं ये बताता हूँ कि हमारे जीवन में भी संघर्ष आएंगे, आप सबको इसको अपने देश और धर्म के प्रति ये अपना कार्य है, समर्पण है, ये सोच के आगे बढ़ना है, रुक नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है। जी जी बिल्कुल सही कहा देवदत्त जी आपने, तो आप ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, ये सबसे ज्यादा बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आप जैसे लोग सुरक्षित हैं तो एक एक आशा की किरण वहां पे है, क्योंकि अभी अभी वेस्ट बंगाल की हालत हो गई है कि न्यायालय या सेंटर से उम्मीद रखने से बेहतर है गोपाल पाठा वाली अप्रोच की शायद आवश्यकता है वहां पे। जी 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 जी, जी। पर हाँ, नहीं मुझे सेंट्रल से सपोर्ट मिल रहा है, मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, मैं बोल नहीं सकता किस तरह का सपोर्ट है, पर सेंट्रल से आशीर्वाद अवश्य है, जी, जी। मैं उसी को भगवान का आशीर्वाद है, आप सबका प्रार्थना है, जिसके वजह से मैं कुछ काम करने का प्रयास कर पा रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त जी, ध्यान रखिए, धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। जो जनता अपने आप को मोदी जी का परिवार कहती है, उस जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट बंगाल से भी आता है। मोदी जी को अपने उस परिवार की भी थोड़ी सुध लेने की आवश्यकता है जो उन पे पूरी आस्था और विश्वास रखते हुए टीएमसी के विरुद्ध गया और भाजपा के सपोर्ट में अपना मतदान किया। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बंगाल के लोगों के सपोर्ट में अपना विरोध प्रकट कीजिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, लेकिन बोलिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट।